हेलो उथिनियन फैमिली, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हो। अगर आप सभी लोग बढ़िया होना भी चाहिए। तो एक बैड न्यूज़ है कि मेरा जो बोया का माइक था वो टूट गया यार। अब क्योंकि माइक टूट चुका है तो जब तक माइक नहीं आ जाता है तब तक वीडियो नहीं बनेगा, ठीक है। अरे कोई ना भाई, वीडियो आएगा, कैसे भी आएगा, देखेंगे, ट्राई करेंगे। माइक का ऑर्डर कर दूंगा मैं आज, बट वही है कि वो 4-5 दिन बाद ही आएगा। तो चलो तब तक अपन लोग ऐसे ही जुगाड़ चलाते हैं। लाइक से सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पे कमेंट कर देना ध्यान से। बुरा लगा बे, आज 800 का नुकसान हुआ है बॉस। 8 850 का कितने का बोया का माइक, इसीलिए और ज़्यादा सपोर्ट दिखाओ। अब आ जाओ पिछले वीडियो पे चलते हैं। पिछला वीडियो काफ़ी शानदार था, जहाँ अपन लोगों ने देखा हुआ होता है जो यान को, जो कि योहाइनेस के साथ फाइट कर रहा था। योहाइनेस ने भी अपने फुल पोटेंशियल को शो करना स्टार्ट कर दिया होता है और उसके स्टार सी में होते हैं 3.5 मिलियन स्टार्स। लेकिन अपना टर्की भी कम नहीं था और उसके साथ जमकर फाइट करता है, जो देखकर योहाइनेस को भी समझ में आ गया होता है कि भाई अब ट्रू पावर दिखानी होगी। तो वो अपने ट्रंप कार्ड को शो करता है जो यान के सामने कि भाई हम किसी से कम नहीं। जो देखकर जोहान कहता है बस दिखा ली है कड़ी, अब मेरी बारी। जोहान बाई यान की 3 फ्लेम रीथ का यूज़ करता है और उसकी लंका लगा देता है। उसकी बॉडी और सोल दोनों अलग। पहले उसे लगता है कि शायद वो कोई इमेजिनेशन देख रहा है या कि ये कोई एल्यूजन है, बट नहीं, जोहान उसकी सोल को ही बॉडी से अलग कर देता है, बॉडी को जला के राख कर देता है और सोल अपनी 1 ट्रेजर किल को खिला देता है, जिससे उसकी 9 आई ओपन हो जाती है। लेकिन अभी भी जोहान रुकता नहीं है भाई, क्योंकि जोहान को अभी भी मामला सुलझाना था जो कि ये 3 फ्लेम्स थी। जिसके बाद जोहान तुरंत कहता है भाई यान इटर्नल फायर मेरी बॉडी के अंदर वापस आओ। और इसके बाद जोहान तुरंत ही इससे डेमोनिक फ्लेम के साथ फाइट करते हुए कहता है मैं ही योहाइनेस हूँ। जो देखकर डेमोनिक फ्लेम कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने आप को योहाइनेस कहने की। लेकिन तभी जोहान की बॉडी और ऑरे को देखकर वो समझ गई होती कि कुछ तो गड़बड़ है। देन हम लोग देखते हैं कि जोहान जब बाया उस फ्लेम से फाइट करता है तो अचानक ही उस फ्लेम के अंदर से एक ब्लैक फिगर बाहर आती है, जो उसे दूर फेंकते हुए कहती है इससे मैं अकेले निपट लूंगा। और इसके बाद वो जोहान के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि बाई यान और इटर्नल फायर तुरंत वहाँ पर एक बैरियर क्रिएट कर देती हैं। लेकिन तभी उसके एक पंच से वो बैरियर डिस्ट्रॉ हो जाता है, जिसके बाद वो जोहान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और मैंने एपिसोड वही एंड कर दिया था, तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। तो आओ देख लेते हैं कि ये आखिरकार भंड बंदा है कौन और क्यों ये जो यान के पीछे पड़ा है। आ जाओ। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में उस फिगर को जान करीब से देखता है, जिसके चेहरे पे कोई भी इंप्रेशन नहीं होता और केवल आंखों की एक जोड़ी होती है। वो सीधा ही अपने हाथ को जोहान की तरफ बढ़ाता है और जोहान को लाइफ डेथ फील होने लगते हैं। जोहान तुरंत कहता है ओल्ड जान, अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो चली जाएगी मेरी जान। जोहान गोल्डन टावर को तुरंत ही एक मैसेज भेजता है, लेकिन जोहान को ओल्ड जान से कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता। साथ ही इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जोहान ने अपने दिल में कितना चिल्लाया और कितनी भी उम्मीद रखी हो, गोल्डन टावर में बिल्कुल मूवमेंट नहीं होती। जो देखकर जोहान तुरंत ही कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि गोल्डन टावर भी इस ब्लैक शैडो से डरता हो। हालांकि लाइफ डेथ के इस प्रीसियस मोमेंट पर जोहान के सामने अचानक ही फ्लेम की एक साइन दिखाई देती है, जो बिना किसी हिचकिचाहट के ब्लैक शैडो के ऊपर अटैक करती है और एक धमाके के साथ जोहान की फिगर तुरंत ही हिलते हुए पीछे की तरफ चली गई होती है। और जोहान देखता है कि ये डेमोनिक फ्लेम थी जिसने ब्लैक शैडो के अटैक को रोक दिया था। वो तुरंत ही कहती कि आप सचमुच मेरे मास्टर हैं, और याओयान सिर झुकाकर सीरियसली बोल रहा होता है। दूसरी तरफ जोहान की आंखें सिकुड़ी हुई होती है। अपनी बॉडी को स्टेबल करने के बाद जोहान तुरंत ही से हिलाता है। साथ ही ब्लैक शैडो क्या थी इसके बारे में केवल ये याओयान ही जान सकता था। तभी वो फ्लेम तुरंत कहती है इज पॉसिबल, योहाइनेस इतने वीक कैसे हो सकते हैं, क्या योहाइनेस के साथ उन्हें इस प्रॉब्लम को अपनी उंगली के एक झटके के साथ सॉल्व करने में कैपेबल नहीं होना चाहिए था। ऐसा कहते वो एम्बेरस होकर स्माइल करती है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो ये शैडो योहाइनेस के सामने कुछ भी नहीं थी। तभी जोहान कहता है मैं आपका मास्टर हुआ करता था, लेकिन अब मैं नहीं हूँ। और याओयान के बीच की बातचीत में ब्लैक फिगर थोड़ा सा उदास होती है और जोहान की ओर बढ़ती है। साथ ही इस ब्लैक एनर्जी को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जोहान की आंखें तुरंत ही कंडेंस हो गई होती हैं और तुरंत ही जोहान चिल्लाते हुए कहता है डेमोनिक फ्लेम प्लीज़ लाइफ और डेथ के इस सिचुएशन में मेरे सामने सरेंडर करो। जोहान को यकीन नहीं था कि याओयान उसके बारे में कुछ सोचे गया नहीं, लेकिन यह उसका एरिया था। साथ ही जोहान को पता था कि यह डेमोनिक फ्लेम, क्योंकि यह योहाइनेस की इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी तो केवल इसी तरीके से जोहान इसे अपनी तरफ लेकर आ सकता था। तभी याओयान तुरंत ही कहती है आखिरकार आप योहाइनेस हैं क्या वास्तव में। याओयान को जोहान का मतलब समझ में नहीं आता। तभी जोहान आखिरकार एम्बेरस होकर इस्तेमाल करते हुए समझ गया होता है कि याओयान को 9th फ्लेम में 9वें नंबर पर क्यों रखा गया, क्योंकि इसका जो IQ था वो पर्याप्त नहीं था। लेकिन ऑब्वियसली कम IQ वाले लोग ज़्यादा वफादार और लॉयल होते हैं। तभी जोहान कहता है हाँ मैं हूँ और मुझे ही होना चाहिए। सतीश टाइम पे वाईयान और इटर्नल फायर भी उस ब्लैक शैडो को रोक देते हैं। तभी जोहान कहता है डैम इट, मुझे तुम्हारी पावर की सख्त ज़रूरत है, तो या तो
तुम मेरे सामने सरेंडर करो या फिर यहाँ से निकल जाओ। जॉन तुरंत ही वोहन चढ़ा लेता है और उस फ्लेम का सामना करते हुए तुरंत ही उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। जॉन इस फ्लेम को मनाना चाहता था, लेकिन ये फ्लेम बेकार की बकवास में जॉन को उलझाए हुए थी, जबकि जॉन जल्दबाजी में था क्योंकि ब्लैक शैडो की खतरनाक भावना जॉन को परेशान कर रही थी। जो देखकर यहाँ यार हंसते हुए कहते हैं, आप निश्चित तौर पर योर हाइनेस ही हैं, वो बहुत दबंग थे, आप भी हैं। जो देखकर तो जॉन का चेहरा काला पड़ गया होता है और जॉन आखिरकार समझ गया होता है कि इस चूतिया फ्लेम के चक्कर में वो पेल दिया जाएगा, ऐसा बुरी तरीके से डांटा जाना चाहिए। दूसरा भी 10 डेमोनिक फ्लेम तुरंत ही 9 अलग अलग फ्लेमों में बदलकर जो जॉन की बॉडी की तरफ दौड़ने लगती है और जॉन की बॉडी में घुसने लगती है। और इस टाइम पे ये सभी की सभी 10 फ्लेम्स जॉन की डेंटियन में फ्लो हो रही थी। साथ ही इस फ्लेम को जॉन के कंट्रोल में जाता हुआ देखकर ब्लैक शैडो और भी नाराज हो गई थी और वो तुरंत ही अपनी ट्रू पावर को अनलेस करती है और वो तुरंत ही चिल्लाते हुए जॉन के ऊपर अटैक करती है। उसकी चिल्लाने की आवाज़ के बाद एक इनविजिबल पावर अचानक ही जॉन को घेर लेती है, जिससे बचना इम्पॉसिबल था क्योंकि ये पूरी पावर इनविजिबल थी और इसने जॉन को चारों तरफ से लॉक कर दिया था, जिससे अगले ही मूवमेंट जॉन की बॉडी हिलने डुलने में कैपेबल नहीं थी। लेकिन उसी समय जॉयान का ऑरा बढ़ने लगता है क्योंकि इस फ्लेम से जुड़ने के बाद जॉयान की डेंटियन में 3 फ्लेम दिखाई देने लगती हैं। साथ ही इस टाइम पर डायमंड फ्लेम की स्ट्रेंथ भी सामने आती है और जॉन की ताकत आसमान छूने लगती है और 4-स्टार फाइटिंग गॉड पीक, फिर 5-स्टार, 5-स्टार स्टार्टिंग, 5-स्टार इंटरमीडिएट, फिर 6-स्टार, 6-स्टार फाइटिंग गॉड स्टार्टिंग, 6-स्टार फाइटिंग गॉड लेट, फिर 6-स्टार पीक। इस तरीके से पावर बढ़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल से, अनप्रेडिक्टेबल से एक अलग ही लेवल पर था। जो यार 6-स्टार पीक लेवल पर रुक गया होता है, हालांकि वो 7-स्टार फाइटिंग गॉड पर पहुंचने के थोड़ा ही करीब था। और इस टाइम पे जॉयन के ओरिजिन क्विसी में लगभग 16 मिलियन स्टार हो गए होते हैं। जॉयन की बॉडी में अभी केवल 440,000 स्टार थे और अब सीधा ही 16 मिलियन, जो कि अपने आप में इस फ्लेम की पावर को शो करते थे। हालांकि इसमें इटर्नल फायर द्वारा खींची गई ओरिजिन क्वी भी शामिल थी, जिसमें लगभग 3 मिलियन स्टार थे, इसलिए जॉयन के पास अब वास्तव में उसके स्टार सी में 90 मिलियन स्टार होते हैं। साथ ही आपको पता होना चाहिए कि सेनेक्सीबल्ड में जो लोग 6-स्टार तक पहुंच चुके हैं वे पहले से ही बहुत रेयर है। यहाँ तक कि योहाइनेस युआन बाई, जो कि 4th योहाइनेस था, वो केवल 5-स्टार के इंटरमीडिएट लेवल पर था। एक बार अगर आप 5-स्टार को ब्रेक थ्रू कर लेते हैं तो ये एक अलग ही डिवाइडिंग लाइन होती है, क्योंकि उसके बाद से अगले लेवल में ब्रेक थ्रू करने के लिए आपको जो एनर्जी चाहिए होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही अचानक ही जॉन को महसूस होता है कि उसकी बॉडी के अंदर इनफाइनेट पावर हो। 90 मिलियन सोर्स स्टार की जो एनर्जी थी वो अपने आप में काफ़ी खतरनाक थी, जिसके बाद जॉन अपनी आज़ादी को फिर से फील करता है। साथ ही जॉन यहाँ से भागने के ऑप्शन को चूज़ नहीं करता, क्योंकि मौजूदा स्थिति में भागना बिल्कुल ही बेकार डिसीजन था। साथ ही इसके अलावा जॉन इस ब्लैक शैडो को लेकर काफ़ी यूरियस था कि आखिरकार कहाँ से आई है, क्योंकि अगर ये आउटर वर्ल्ड से है तो ये एक बहुत ही प्रीसियस सुराग हो सकती थी। साथ ही 10 डेमोनिक फ्लेम मार जाने के बाद जॉन को ऐसा लग रहा था कि अपनी पावर के साथ अब वो इस शैडो से लड़ सकता है। हालांकि जैसे ही जॉन ये सोचता है कि तभी आवाज़ आती है, योहाइनेस वो प्रेजेंट टाइम की पावर के साथ इससे लड़ना बेहतर नहीं होगा, ये अनबीटेबल है। और ब्लैक शैडो की तब जॉन उड़ने ही वाला था कि डेमोनिक फ्लेम तुरंत ही जॉन को मना कर देती है, लेकिन जॉन जो कि हवा में था उसकी आंखों में तो कमिटमेंट था भाई कि मैं तो इसे पेलेगा। हालांकि वो ब्लैक शैडो की पावर को नहीं देख सकता था, लेकिन वो समझ गया होता है कि हार मानना बिल्कुल सही ऑप्शन नहीं, इसलिए भले ही हार जाओ लास्ट तक फाइट करो। जिसके बाद जॉन तुरंत गया था फ्लेम डिवोरिंग थंडर रूलर, और इस टाइम पे जॉन काफ़ी ह्यूज सोर्स एनर्जी को अपने रूलर के अंदर डाल देता है, जिसके कारण इसकी जो पावर थी वो रियल लेवल के पीक लेवल पर पहुंच चुकी होती है, यहाँ तक कि उसके भी आगे। साथ ही फ्लेम के साथ जो लाइटिंग बोल्ट थे वो सीधा ही ब्लैक शैडो के खोपड़े की तरफ बढ़ने लगते हैं। साथ ही जॉन को देखते हुए ये ब्लैक शैडो काफ़ी हैरान लग रही होती है, साथ ही उसकी आंखों में हल्का सा बदलाव दिखाई देता है। लेकिन जब जॉन उसके ऊपर अटैक करता है तो एक ठंडक चारों तरफ फैल चुकी होती है। हालांकि अभी तक ये रूलर उसके पास तक पहुंचा नहीं था, लेकिन जॉन की नज़र अभी ब्लैक शैडो पर ही फोकस थी और जॉन को एक बार फिर से लाइफ और डेथ का संकट फील होता है। और ये कुछ ऐसा एहसास था जो गायब हो ही नहीं रहा था, जिससे जॉन समझ जाता है कि अभी भी इस ब्लैक शैडो की पावर उसकी प्रेजेंट टाइम की पावर से अनबीटेबल है। दोस्तों ब्लैक शैडो सीधा ही अपने हाथ को उठाकर ब्लैक एनर्जी को कंडेंस करती है और एक ब्लैक एक्स क्रिएट करती है, जिसे वो जॉन की तरफ घुमा देती है और दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं तो बुरी तरीके से एक शॉक वेव जनरेट होती है जो चारों तरफ तहलका और कोहराम मचा देती है। हालांकि जॉन की बॉडी के सोर्स सी की एनर्जी के सपोर्ट के कारण जो जॉन का फ्लेम डिवोरिंग थंडर रूलर था उसकी पावर अभी भी कम होने के बजाय बढ़ रही होती है।
साथ ही इसके अलावा जॉन अपने मुंह को खोलकर तुरंत ही वाइट शटल को 3 लाइन तक एक्टिवेट करता है। जॉन पहले इसमें केवल 3 लाइन ही एक्टिवेट कर सकता था, लेकिन अब उसमें से जो यान 10 लाइन्स की ओरिजिन क्विक को इंजेक्ट करता है और इसे इसके सबसे पीक लेवल यानी कि एक्सट्रीम लेवल पर एक्टिवेट करता है और वाइट शटल से बाहर अटैक करता है, जिससे एक बहरा कर देने वाली आवाज निकलती है और वाइट शटल पावरफुल प्रेशर के साथ ब्लैक शैडो की तरफ भिन भिनाते हुए बढ़ रही होती है, जो कि आवाज इनफाइनेट लग रही थी। दोस्तों जैसे ही वाइट शटल उस ब्लैक शैडो के पास पहुंचती है, ब्लैक शैडो अपने राइट हैंड को बढ़ाते हुए उसे नंगे हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है और एक दबी हुई आवाज जोर से निकलती है और इस वाइट शटल को ब्लैक शैडो ने एक हाथ से पकड़ लिया था, जिससे वाइट शटल अभी घूमना बंद नहीं करती लेकिन बहुत मेहनत कर रही होती है। हालांकि तभी ब्लैक शैडो अचानक ही वाइट शटल को हल्के से दबाती है और एक क्लिच की आवाज आती है और एक धमाके के साथ वाइट शटल ब्लास्ट हो गई होती है, जो देखकर तो जियान और भी हैरान होता है क्योंकि ब्लैक शैडो ने इस ट्रेजर को इतनी आसानी से तोड़ दिया था और जियान को वाइट शटल की पावर पे जरा सा भी शक नहीं था। और इसे अपने हाथों से तोड़ देना मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ को एक ऐसे लेवल तक पहुंचा देना जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जियान को अपने दिल में हल्का सा दर्द फील होता है। आखिरकार वाइट शटल उसके स्ट्रॉन्ग ट्रम्प कार्डों में से एक माना जा सकता था और जैसे जैसे टाइम बीतता गया जियान वाइट शटल का यूज़ करने में और भी ज़्यादा सॉफ्ट और परफेक्ट होता गया था। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि ये ब्लैक शैडो उसे इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देगी। उसी टाइम पे ब्लैक शैडो फिर से अपने हाथ को लहराते हुए हवा में जियान की तरफ अपनी कुल्हाड़ी को भेज देती है, जिससे वो जियान का लाइटिंग फ्लेम डिवोरिंग थंडर रूलर तितर बितर हो गया होता है। और अगर ये जियान के बाहुआंग रूलर की मिस्टीरियस पावर के कारण नहीं होता तो शायद इस टाइप टेक्नोलॉजी के वेपन भी इतने खतरनाक अटैक को झेलने में कैपेबल नहीं होते। दूसरे जियान की बॉडी भी पीछे की तरफ जाती है और जियान समझ गया होता है कि आओयान ने क्या कहा था, वो इस ब्लैक शैडो के लिए अपोनेंट बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए जियान अपनी बॉडी को स्टेबल करता है और इसके बाद स्पीड से जिया जेंगहुई की तरफ देखता है। साथ ही जिया जेंगहुई समझ गया होता है कि जियान का क्या मोटिव था, इसीलिए जैसे ही जियान उसके नज़दीक आता है जिया जेंगहुई जल्दी से जियान की स्टोरेज रिंग मतलब स्पेस रिंग में एंटर हो जाता है, क्योंकि इसी तरीके से जियान टेंसर फ्री हो सकता था। जहाँ तक कैंगजू और 4 लोगों की बात है, जियान उनकी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकता था, इसीलिए अगर वो बच सकते हैं तो ये उनकी लाइफ और लक होगा। हालांकि जैसे ही ब्लैक शैडो देखती है कि जियान जाने वाला है, वो अपने हाथ को उठाता है और एक आवाज़ आती है। ऐसा नहीं लग रहा था कि आवाज़ उसके मुंह से आई, बल्कि ऐसा लगता है कि ये आवाज़ कहीं स्पेस से आ रही होती है, जो कि होती है कैद। और अचानक ही ब्लैक एनर्जी तुरंत ही आसपास के एरिया को घेर लेती है और अनगिनत ब्लैक एनर्जी थ्रेट में बदलकर हवा में फैलने लगती है और सीधे ही 700 मील के एरिया को कवर कर लेती है। तब जियान कहता है ये साला ब्लैक शैडो है क्या। जियान को अपनी खोपड़ी सुन्न महसूस हो रही होती है और जियान तुरंत ही ऊंची आवाज़ में पूछता है। तभी आओयान तुरंत ही कहती है मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मास्टर टट्टू की डेथ के बाद से यहाँ पर है। साथ ही अभी जियान को ब्लड की वॉमिटिंग होती है। उसने सोचा था कि ये शायद अपनी बॉडी के साथ यहाँ होगा, उसने कभी नहीं सोचा था कि ये वास्तव में इस तरीके से है। तभी आओयान कहता है इससे पहले मैंने कभी भी इसे इस तरीके से नहीं देखा, पास्ट में ये ब्लैक एनर्जी का केवल एक क्लस्टर था, मैंने इसे डिस्ट्रॉय करने की कई बार कोशिश की लेकिन मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये इतना स्ट्रांग हो सकता है। दूसरे जियान को रुकना पड़ता क्योंकि आसपास ब्लैक एनर्जी थी और ब्लैक एनर्जी मिलते हुए एक प्रिजन को क्रिएट कर रही होती है और जियान इस प्रिजन में फंसे हुए एक पक्षी की तरह था जो ना उड़ सकता था ना पीछे हट सकता था। साथ ही ब्लैक शैडो जियान नहीं जानता था कि वो क्या है और उसकी पावर भी अननोन थी। और भले ही जियान के पास 10 कंप्लीट डेमोनिक फ्लेम के कारण पावर बढ़ चुकी हो और 6 स्टार पीक लेवल तक जा चुकी हो, उसके पास 90 मिलियन स्टार्स हो, वो अभी भी शैडो के लिए फाइट बैक करने में कैपेबल नहीं था, बल्कि उसकी तरफ से तो जियान को स्ट्रॉन्ग डेथ फील हो रही होती है, जिससे पता चला था कि जियान की पावर बढ़ने के बाद भी ये ब्लैक शैडो अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। साथ ही ब्लैक शैडो तुरंत ही धुएं में बदल कर ना तो धीरे धीरे और ना ही तेज जियान की तरफ आती है और एक स्ट्रॉन्ग डेंजरस फीलिंग जियान के ऊपर हावी होने लगती है, जो देखकर जियान कहता है क्या मैं आज यहाँ मरने वाला हूँ। जियान ठंडे पसीने से तरबतर हो गया होता है। गोल्डन टावर में कोई भी हलचल नहीं थी। जियान को नहीं पता था कि क्या गोल्डन टावर ने जानबूझकर ऐसा किया या फिर ओल्ड जान की भी शैडो से फटती है। हालांकि तभी ब्लैक शैडो का अटैक एक बार फिर से होता है और जियान के चारों तरफ की ब्लैक एनर्जी अचानक ही कंडेंस होने लगती है और ऐसा लगता है जैसे वो जम गई हो। और वहाँ पे एक फिस्ट अटैक क्रिएट होता है जो सीधा ही जियान के ऊपर अटैक कर देता है। और भले ही अटैक जियान को मारने के लिए काफ़ी ना हो, लेकिन ये जियान को हैवीली इंजर्ड करने के लिए काफ़ी था। ऐसा लग रहा था जैसे ये ब्लैक शैडो जियान का टेस्ट लेकर जानबूझकर उसे चिढ़ा रही हो। साथ ही इस प्रिजन के अंदर जियान के पास ऑब्वियसली छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसीलिए पूरी तरीके से जियान सप्रेस था और ब्लैक शैडो के पास जियान से निपटने के लिए पर्याप्त टाइम, इसलिए वो जियान को तुरंत मारने के बजाय धीरे धीरे मार रही होती है। दूसरा जियान भी ऑब्वियसली शाकाहारी होने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि जियान के पास 90 मिलियन ओरिजिन क्विक थी जो उसके हाथ में पावरफुल तरीके से फूट पड़ती है और जियान फ्लेम डिवोरिंग थंडर रूलर का यूज़ करना कंटिन्यू रखता है। जियान यहाँ पे खासतौर पर
99 डिवाइन गार्ड ट्रेजर को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी था, लेकिन उसने पहले से वर्ड सटल को खो दिया था, इसलिए जॉन इस ट्रेजर को खोना नहीं चाहता था। आखिरकार ये ट्रेजर उसे कांगमैंग एंसेस्टर ने दिया था। साथ ही अभी भी जॉन को समझ नहीं आया था कि आखिरकार इस ट्रेजर की ट्रू पावर क्या है। आखिरकार इसे ग्रेट वर्ल्ड के एंसेस्टर द्वारा दिया गया था, इसलिए किसी भी तरीके से नॉर्मल नहीं हो सकता। और शायद जोयान अभी सोच रहा था कि उसने इसे चलाना नहीं सीखा। साथ ही जॉन यहाँ पे बायन की ब्रीथ का फिर से यूज करना चाहता था, हालांकि अब केवल बायन की दो ही ब्रीथ बची थी और बहुत कीमती थी, लेकिन जॉन की लाइफ से कीमती नहीं। लेकिन इसके लिए मेन चीज ये थी कि जॉन की व्हाइट फ्लेम की ब्रीथ का इस ब्लैक शैडो पर असर होना चाहिए। हालांकि जॉन ने जब फोर्थ योहाइनेस को इस फ्लेम के कारण मार दिया था, तो उसके बाद जॉन ने शैडो के ऊपर यूज किया था इस टेक्निक को, लेकिन ऑब्वियसली जॉन ने फील किया था कि इस शैडो के ऊपर इसका शायद कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, जिसका मतलब था कि ना इस ब्लैक शैडो की कोई बॉडी है और ना ही कोई सोल, वरना वाइयान का वर्क ना करना ये तो हो ही नहीं सकता था। इसलिए जॉन थोड़ा सा डरा हुआ महसूस कर रहा था और ये जानना चाहता था कि आखिरकार ये ब्लैक शैडो है क्या। हालांकि जॉन इस ब्लैक शैडो के अटैकों को जबरदस्ती झेल रहा होता, लेकिन ऑब्वियसली जॉन का डिफेंस इसके अटैकों के सामने बहुत वीक था। वो न केवल इस ब्लैक शैडो के अटैकों के सामने हार जाता है, बल्कि इसकी बची हुई पावरफुल फोर्स जॉन की बॉडी से टकरा रही होती है, जिससे जॉन की बॉडी लगातार पीछे की तरफ जाती है। और इस टाइम पे जॉन बहुत शर्मिंदा लग रहा होता है। जॉन तुरंत ही कहता है आप कौन हैं, और मुंह के कोने से खून पोंछता है। हालांकि उसके आसपास के 100,000 लोगों पर भरोसा करते हुए जॉन की चोटें जल्दी ही ठीक हो जाती हैं, लेकिन ये इसलिए था क्योंकि अभी भी जॉन को सीरियस इंजरी नहीं आई थी, जबकि उसके सामने की ब्लैक शैडो से सीधा मारने की स्ट्रेंथ रखती है, लेकिन उसने अभी तक ऐसा नहीं किया। हालांकि तब ये ब्लैक शैडो कुछ भी नहीं कहती, ऐसा लग रहा था कि ये बस आधा मिनट के लिए जॉन की तरफ देखती रहती है, जिसके बाद वो अपने हाथ को उठाती और अनगिनत ब्लैक ऑरा जो जॉन की तरफ बढ़ने लगता है, जिसके बाद ये सभी एक भारे में कंडेंस हो जाती है, जिसके बाद एक आवाज़ आती है किलिंग स्ट्राइक। और जैसा लग रहा होता है कि आवाज़ स्पेस से आ रही हो, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आवाज़ इस ब्लैक शैडो के मुँह से आई, क्योंकि इसके चेहरे पर कोई मुँह था ही नहीं, केवल आँखें थी जो इम्प्रेशन लेस थी। तभी जॉन भी अपने दांतों को पीसकर 2000 स्क्वायर मीटर का लाइटिंग सी अपेयर करता है, साथ ही अपनी सोर्स एनर्जी का यूज़ करते तुरंत ही एक बैरियर बनाता है। साथ ही यहाँ पे सैकड़ों ब्लैक थ्रेड जॉन के ऊपर काफ़ी तेज स्पीड के साथ अटैक करने लगते हैं, और हर एक जो स्पेयर था वो काफ़ी तेज और स्ट्रॉन्ग लग रहा था। साथ ही ये स्पेयर एक पल के लिए जॉन के बैरियर को भेज जाते हैं, यहाँ तक कि 90 मिलियन सोर्स कुई से बनी हुई कुई वॉल को भी इन स्पेयर से काफ़ी आसानी से ब्रेक कर दिया होता है, जैसे किसी कागज के टुकड़े को। और ओरिजिन कुई के बैरियर को तोड़ने के बाद ये जॉन के 2000 स्क्वायर मीटर के लाइटिंग सी से जाकर टकराते हैं। साथ ही ये लाइटिंग बोल्ट सीधा ही इस भाले के अंदर से होकर क्रॉस होने लगते हैं। दूसरी तरफ जॉन तुरंत ही अपने मिस्टीरियस रूलर को उठाकर इनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। हालांकि जॉन ने अभी एक स्पेयर को ही रोका था, लेकिन तभी दूसरा तीसरा स्पेयर सीधा ही जॉन की बॉडी के अंदर घुसने लगते हैं और जॉन के पेट में सीधा ही छेद होने लगते हैं। उसी टाइम पे तीसरा फिर चौथा, और ये ब्लैक स्पेयर बिल्कुल एक के बाद एक जॉन के डिफेंस को ब्रेक कर देते हैं। और भले ही जॉन अपने स्पेयर को घुमाता रहा हो, उतने ही ज़्यादा स्पेयर जॉन की बॉडी के अंदर घुस रहे होते हैं और खूनी छेद लगातार होते जा रहे होते हैं। साथ ही फाइटिंग गॉड की पावरफुल रिकवरी स्पीड इटर्नल फायर द्वारा 1,00,000 लोगों की लाइफ पावर पर भरोसा करके जॉन की चोटें उतनी जल्दी ठीक हो रही होती है। लेकिन चाहे चोटें कितनी भी जल्दी ठीक क्यों ना हो, इसका इफेक्ट अभी भी जॉन के ऊपर पड़ रहा होता है। साथ ही जॉन के मुँह के कोने से खून बह रहा होता है। साथ ही स्पेस रिंग में जिया चेंगुई और डिंग्यू दोनों टेंशन में होते हैं, लेकिन वो लोग पावरलेस थे। हालांकि वो यहाँ मदद के लिए बाहर आना चाहते थे, लेकिन जॉन उन्हें सीधा ही रोक देता है, क्योंकि मौजूदा हालत में अगर वो बाहर आते तो केवल उनकी जान जाएगी। जो देखकर जॉन कहता है क्या हम वास्तव में यहाँ मरने वाले हैं। इस टाइम तक लगभग जॉन की बॉडी में 100+ स्पेयर घुस चुके होते हैं और जॉन की बॉडी में केवल भाले ही वाले थे, जिसके बाद जॉन अपने हाथ को बढ़ाते हुए एक एक करके उन्हें बाहर निकालता है। जॉन के चेहरे पर कोई ज़्यादा इंप्रेशन नहीं थे, यहाँ तक कि दर्द के इंप्रेशन भी नहीं। साथ ही जॉन के चेहरे पर एक कमिटमेंट होती है। साथ ही इतनी ज़्यादा निराशाजनक सिचुएशन में भी जॉन को विश्वास नहीं था कि वो इतनी आसानी से मर जाएगा, जिसके बाद जॉन कहता है भाई यान इटर्नल फायर डेमोनिक फ्लेम, मैं इसका अपोनेंट नहीं हूँ, लेकिन मेरे मरने से पहले क्या तुम सभी लोग अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करके लड़ने को तैयार हो। और जॉन अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है और इस टाइम पे इन फ्लेम को अपने मास्टर से आने वाली एक इमोशनल और उदास फीलिंग का एहसास हो गया था, और वो अपने मास्टर के लिए लाइफ और डेथ तक लड़ना चाहती थी अपने मास्टर के साथ। तभी डेमोनिक फ्लेम तुरंत ही कहती है हम अपने मास्टर के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। साथ ही वाइयान और इटर्नल फायर तो और भी ज़्यादा कमिटेड होते हैं और चारों तरफ एक अलग ही गुस्सा फैल गया होता है, जिसके बाद जॉन तुरंत ही कहता है ठीक है तो फिर हम मौत तक लड़ेंगे। और इतना कहने के बाद जॉन का भी जॉन रूलर कांपने लगता है
और वो अपने हाथ को बढ़ाकर सीधा ही इन स्पेयर को निकालता है। साथ ही जॉन की चोटें नंगी आंखों से ठीक होती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन जो यान अपनी चोटों को पूरी तरीके से ठीक होने का इंतजार नहीं करता, बल्कि सीधे ही अपने रूलर को उठाकर बाहर की तरफ निकल जाता है और उसकी बॉडी से तुरंत ही तीनों हार्ट ऑफ फ्लेम फूट पड़ती हैं। और ऑब्वियसली हर एक हार्ट फ्लेम की अपनी स्ट्रेंथ थी। साथ ही ऑब्वियसली इसमें भी एक अलग बात थी कि इन फ्लेमों का जो सोर्स है वो और भी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर को रखता है। बस ये इतना है कि ये अभी भी अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को अपेयर नहीं कर सकती, लेकिन इस टाइम भी ये फ्लेमें बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी फुल पावर के साथ बाहर आ रही थी जितनी वो यूज़ कर सकती थी। साथ इन फ्लेम के सेंटर में जो यान तीनों हार्ट फ्लेम का मास्टर होता है और इतनी पावरफुल पावर के साथ जॉन को अपनी बॉडी में हल्का सा भार भी फील हो रहा होता है और इन फ्लेमों के कारण जॉन की पूरी बॉडी गर्म महसूस हो रही होती है उसे। इस फ्लेम ने जॉन के पूरे ही बॉडी, एक्यूपंचर पॉइंट, मांस, यहाँ तक कि बाल तक को और स्किन तक को ढक लिया होता है जॉन की मेरिडियंस में ब्लड के ऊपर और मेरिडियंस के नीचे यही फ्लेम फ्लो हो रही होती है। जॉन की स्किन जलने लगी होती है और जॉन की पूरी बॉडी पर ही फ्लेम होती है और पीछे फ्लेम सी जो तीन अलग अलग फ्लेमों से मिलकर बना था ये एक साथ जुड़ा हुआ होता है, साथ ही खतरनाक पावर से भड़क रहा होता है। जिसके बाद जॉन अपने हैवी जॉन रूलर को उठाता है और ब्लैक शैडो की तरफ घुमाता है जिससे फ्लेम का एक तुरंत ही काफ़ी खतरनाक सी उस ब्लैक शैडो की तरफ जाने लगता है और एक जोर का धमाका होता है जहाँ तक देखा जा सकता था केवल फ्लेम सी ही फैला हुआ था। इस टाइम पे ये डार्क प्लेस केवल दिन के उजाले की तरह साइन हो रहा होता है। साथ ही ऐसी पावरफुल पावर को शो करने में कैपेबल होने के लिए और इग्नाइट करने के लिए शर्त ये थी कि जॉन के पास उसकी फाउंडेशन के जो 19 मिलियन कोई स्टार थे उन्हें पूरी तरीके से अनलिस्ट कर दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली इस फाउंडेशन के लिए ऑरिजन कोई अभी भी ज़रूरी थी। साथ ही इस टाइम पे कोई शक की बात नहीं थी कि जो यान 1 लाख लोगों की सोर्स एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रहा था, तो भले ही जॉन के पास 90 मिलियन सोर्स कोई थी, ये केवल एक पल में हुई यूज, लेकिन इसे कम्प्लीट करने के लिए 1 लाख लोग अभी भी थे। लेकिन जॉन को पता था इन 1 लाख लोगों की ऑरिजन कोई लॉन्ग टाइम तक नहीं रह सकती। साथ ही ये तो दूर की बात, ये अटैक अभी भी इस ब्लैक शैडो को नुकसान पहुंचा सकते हैं या नहीं ये भी अभी डिसाइड नहीं हुआ था। दोस्तों जो यान देखता है उसका फीट अटैक नीचे की तरफ गिर गया और बहुत देर तक कोई हलचल नहीं हुई, तो जॉन हवा में खड़ा रहता और कुछ देर तक देखता रहता है और अगले पल जॉन की आँखें सिकुड़ गई होती हैं। जॉन ने रूलर के सामने एक ब्लैक स्रॉड देखी होती है जो लगभग 100 फीट लंबी होती है और ऐसा लग रहा था ये स्रॉड किसी भी चीज़ को चीर सकती है और ये पूरी जगह इस ब्लैक स्रॉड के सामने ठहरी हुई लग रही थी। और अगले ही पल एक पावरफुल रोर होता है जो कि जॉन के फ्लेम सी से भी काफ़ी खतरनाक था और इस स्रॉड की एनर्जी की हर एक इंच और लेयर जॉन के फ्लेम सी की तरफ भागने लगती है और जॉन के फ्लेम सी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है। वाइड के अंदर जो जॉन के फ्लेम सी को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना जॉन को भी नहीं पता था कि यह किस टाइप की पावर है और इसके लिए कितनी पावरफुल पावर की ज़रूरत होगी। जॉन देख सकता था अभी भी ब्लैक शैडो को शांति से, उसके चेहरे पे कोई इंप्रेशन नहीं होती और जॉन को घूरते हुए वो और भी खतरनाक लग रही होती है, जिससे इस टाइम पे जॉन चौंक गया था। तभी अचानक ही ये ब्लैक शैडो एक बार फिर से जॉन के ऊपर अचानक ही अटैक कर देती है, जो देखकर जॉन जल्दी से अपने हैवी जॉन रूलर को उठाता है और इस टक्कर के साथ जॉन तुरंत ही अपनी ग्रेविटेशन सेंटर को खो देता है और नीचे की तरफ गिरने लगता है और एक धमाके के साथ सीधा ही इन ब्लैक लाइन के पिजन से जाकर टकराता है। और जैसे जॉन इन ब्लैक लाइन से टकराता है जॉन को एक तेज चीख महसूस होती है। जॉन ने देखा था इन ब्लैक लाइनों के अंदर बेहद एसिडिक इफेक्ट था जिससे जॉन को बेहद तेज दर्द हो रहा था। हालांकि उसकी बॉडी जल्दी ही ठीक हो जाती है, लेकिन जॉन की सोल को भी तगड़ा झटका लगा था। दोस्तों इस टाइम पे जॉन खुद को स्टेबल करता है, लेकिन तभी ब्लैक शैडो अपने अटैक को फिर से कंडेंस करते हुए जॉन के ऊपर अटैक करती है। तभी जॉन भी अपने रूलर से उसके अटैक को रोकने लगता है, लेकिन ये अटैक पिछली बार के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग होता है और भले ही जॉन ने अपने हैवी जॉन रूलर से उसे रोका हो, लेकिन ये तुरंत ही उस अटैक को नलीफाई करते हुए बची हुई पावर के साथ जो यान से जाकर टकराता है और हर तरफ सभी की नज़र जो यान पर होती है और इसके बाद दिखाई देती है जॉन की कमर पे एक रेड लाइन और जॉन के ऊपर और नीचे की 2 बॉडी अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो गई थी और हर तरफ खून बिखर गया होता है। और ये एहसास कुछ ऐसा था जिसका जॉन ने फर्स्ट टाइम अनुभव किया था, इसलिए जॉन की आँखें सिकुड़ जाती है। हालांकि जॉन की बॉडी अलग हो गई थी, लेकिन ये अभी भी ओरिजिन में थी। ऑब्वियसली फाइटिंग गॉड इतनी आसानी से नहीं मर सकता था और जॉन की बॉडी से फिर से ब्लड निकलता है और दोनों ही बॉडी पार्ट्स एक साथ जुड़ने लगते हैं। हालांकि तभी बिना किसी सस्पेंस के एक बार फिर से वो 100 फुट लंबी तलवार जॉन की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन जॉन तुरंत ही उससे डॉच करता है। लेकिन ब्लैक शैडो बिल्कुल नहीं रुकती, बल्कि वो शॉट को चलाना जॉन के ऊपर कंटिन्यू रखती है और जॉन के पास जितना तेजी से हो सके इससे डॉच करने के अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं था। साथ ही उसी टाइम पे अनगिनत ब्लैक एनर्जी जो यान की तरफ काले सांपों की तरफ बढ़ रही होती है
जो जॉन को काटने लगती है। दूसरी जो यान की आंखें भी धीरे धीरे अब उदास होती जा रही होती, जॉन को लग रहा होता है कि यहाँ पे कोई भी इस कंप्लीट पावर के सामने कुछ भी नहीं। तभी जॉन कहता फ्लेम डिवोरिंग थंडर रूलर और एट मिस्टीरियस रूलर में फ्लेम को डालते हुए आसपास आ रही ब्लैक लाइंस के ऊपर अटैक करते हुए ज़्यादातर को डिस्ट्रॉय कर देता है। हालांकि फिर भी इससे कोई फायदा नहीं होता, जो देखकर जॉन तुरंत कहता है डिवोरिंग फिंगर, लाइफ डिवोरिंग फिंगर, और ब्लैक स्नेक के ऊपर यूज़ करता है जिससे अचानक एक सक्सेस फोर्स जनरेट होता है और यह ब्लैक स्नेक ब्लैक एनर्जी में बदलकर जॉन की फिंगर द्वारा अब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं, जिससे जॉन को एक अजीब सी एनर्जी का एहसास होता है और जॉन तुरंत ही ब्लड की एक बड़ी वॉमिटिंग कर देता है। हालांकि जॉन ने इस ब्लैक एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया था और जॉन की आंखों में अभी भी एक कमिटमेंट होती है और अपने हाथ को सामने की तरफ करके जॉन तुरंत ही कहता है डिवोरिंग फिंगर, और अचानक ही ब्लैक एनर्जी बाहर निकलती है और पतले हवा में सांपों में बदलते हुए इस बार इसका टारगेट ब्लैक शैडो होती है, जो देखकर ब्लैक शैडो अपने हाथ को उठाते हुए सीधा ही उस एनर्जी को कंट्रोल करती है और फिर से जॉन की तरफ मोड़ देती है, जो देखकर तो जॉन का चेहरा ही काला पड़ गया था कि क्या वास्तव में डिवोरिंग फिंगर का कोई इफेक्ट नहीं, वास्तव में ब्लैक एनर्जी अभी भी खुद को कंट्रोल कर सकती है। जिसके बाद जो यान अपनी सेंटर यानी मिडिल फिंगर को ब्लैक एनर्जी की तरफ इशारा करते हुए कहता है माउंटेन सी फिंगर, क्योंकि ये फिंगर एक पावरफुल एल्यूजन को क्रिएट कर सकती थी जो कि आपके नॉर्मल वर्ड से एक लेवल हाई लेवल की थी, जो कि एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर से क्रिएटेड है। हालांकि अपोनेंट जो यान के इस वर्ल्ड में प्रवेश करके कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन इसके लिए उसकी पावर लगभग इक्वल होनी चाहिए या कम लोगों की कम पावर वाले या सेम पावर वाले लोग। हालांकि ये सभी अटैक यो हाइनेस के अटैक है और अगर कहा जाए तो ये सभी पावरफुल और हाई लेवल के अटैक है, लेकिन ये अटैक अब उस पर्सन पे डिपेंड करते हैं जिनका वो जो पर्सन इनका यूज़ करता है, और ऑब्वियसली पावरफुल यो हाइनेस की पावर के साथ सभी अटैक एक्सट्रीम लेवल पर थे, लेकिन इन्हें यूज करने वाला पर्सन अगर वीक है तो इनकी पावर भी वीक होगी। और जॉन जो केवल 10 कंप्लीट डेमोनिक फ्लेम के साथ 6 स्टार पीक लेवल पर पहुंचा है, वो चाहे कितना भी कर ले वो इससे स्ट्रॉन्ग पर्सन के साथ फाइट नहीं कर सकता था जो उससे कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। हालांकि जॉन के फिंगर के सामने कुछ देर के लिए ब्लैक लाइट रुक जाती है, लेकिन अगले पल 100 फीट का ब्लेड जो यान की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरा जो यान के डिवाइन बूम आर्म में भी पर्याप्त पावर जमा हो चुकी थी, लेकिन जॉन काफ़ी ज़्यादा उदास होता है बार बार के अटैकों से हारने पर। उसी टाइम जॉन अपने दिल पे दांतों को पीसते हुए निर्वाणा फायर लोटस को अपने हाथ में कंडेंस करता है और 100 फीट का ब्लैक ब्लेड जॉन के सामने आ चुका होता है। तभी जॉन उसके ऊपर एक अटैक करता है। जॉन को पता था यह फियरलेस फायर फिस्ट अभी भी इस ब्लेड के सामने अटैक करने के लिए कैपेबल नहीं थी, लेकिन क्योंकि यह डिवाइन बूम आर्म थी जॉन को उम्मीद थी ये कुछ टाइम के लिए इसे रोक सकती है। साथ ही जॉन का अभी भी हार मानने का कोई भी विचार नहीं था, साथ ही डिवाइन बूम आर्म की पावर आखिरकार इस ब्लैक ब्लेड के साथ कुछ कॉम्पिटिशन करती है, लेकिन जॉन लगातार पीछे हट रहा होता है जबकि यह ब्लेड कंटिन्यू आगे की तरफ और हर जगह खून बिखरा हुआ होता है। तभी जॉन अपने दोनों हाथों से अपनी चेस्ट को कवर करता है और अपने दोनों हाथों में खतरनाक घाव देखता है। जॉन समझ गया होता कि अगर ये डिवाइन बूम आर्म ना होता तब तक उसके हाथ तो कट कर टुकड़ों में बदल चुके होते, जिसके बाद जॉन लड़खड़ाते हुए तुरंत इस अटैक से डॉच करता है। साथ ही जॉन को अपनी बॉडी पर लगी चोटों की ज़्यादा परवाह नहीं थी और इस टाइम पर जॉन की आंखों के सामने 3 लपटें तेजी से कंडेंस होने लगती हैं, जिसके बाद जॉन कहता है अब मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, जब मैं ड्यूकी कॉन्टिनेंट में था मैंने सेम सिचुएशन फील की थी, मुझसे स्ट्रॉन्ग पर्सन मुझसे फाइट कर रहा था और तब मैंने इस स्ट्रेटजी का यूज़ किया था, आज भी वही सिचुएशन है और मुझे आज भी वही करना चाहिए। और ऐसा कहते हुए जॉन तुरंत ही कहता है एंग्री बुद्धा लोटस। जॉन के सामने हालांकि ये तीनों हार्ट फ्लेम थी और इनका एक साथ फ्यूज होना इम्पॉसिबल था, लेकिन जॉन फिर भी इसे ट्राई करना चाहता था। जॉन को पता था कि इनकी पावर अपने आप में हर एक फ्लेम में किंग लेवल पर है और कोई भी किंग दूसरे किंग के सामने सरेंडर ऑब्वियसली नहीं करेगा, लेकिन जॉन की आंखों में एक अलग ही कमिटमेंट होती है और जॉन अपनी पूरी पावर के साथ इन फ्लेमों को मिलाने के लिए खड़ा हो जाता है। तीनों हार्ट ऑफ फ्लेम जॉन के सामने होते हैं और इन तीनों की पावर किसी एक बर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए पर्याप्त से ज़्यादा थी। जहाँ तक फ्लेम हार्ट को जोड़ने की बात है, शायद एशियन टाइम पे कोई भी ऐसा पर्सन ही नहीं था यो एनएस के अलावा जिसने कभी भी एक फार्ट हार्ट फ्लेम के अलावा दूसरी हार्ट फ्लेम को कैरी किया हो। जॉन यहाँ तीनों हार्ट फ्लेम को एक साथ फ्यूज करना चाहता था, जो कि ऑब्वियसली अपने आप में एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में तो शायद यो हाइनेस ने भी ना सोचा हो। हालांकि ये तीनों फ्लेमें जॉन के साथ बिहेव करते हुए काफी ज्यादा ओबीडियंट और ऑनेस्ट है, लेकिन फ्लेम के अपने भी खुद के कुछ इफेक्ट हैं, क्योंकि उनके बिहेवियर से उनके इफेक्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए ये जॉन के लिए एक एक्स्ट्रा बोझ हो सकता था। तभी इटर्नल फायर तुरंत ही जॉन से कहती है मास्टर अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जान भी जा सकती है। तभी वायन तुरंत ही कहती है हाँ मास्टर, हम तीनों की वाइल्ड पावर हो सकता है अगर ये आप इस पे कंट्रोल खोते हैं तो इसका इफेक्ट काफी खतरनाक होगा
और पावर बेकाबू होगी जिसके कारण सभी की लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सब कुछ बाई एन जो हमेशा ही फाइट के लिए पागल और बेकाबू रहती थी, इस टाइम पे उसने भी हार मान ली थी। तभी जॉन कहता है, मेरे लोग मेरी स्पेस रिंग में सेफ है, साथ ये प्लेस इमॉर्टल बंदे की बॉडी है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार अगर मैं अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं इस ब्लैक शैडो को उड़ा देना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार ये है क्या। जॉन की आंखों में एक अलग ही पागलपन था, जिसके बाद जोयान तुरंत ही अपनी रिंग और स्टोरेज रिंग इटर्नल फायर को सौंप देता है। हालांकि ये लोग उस पावर को कंट्रोल नहीं कर सकते थे जो अब फूटने वाली है, लेकिन कम से कम ये दो स्टोरेज रिंग को तो संभाल ही सकते थे। साथ ही इटर्नल फायर जॉन के थॉट को समझ जाती है कि जॉन को अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने से बिल्कुल भी डर नहीं था, क्योंकि उसकी बॉडी का ज्यादातर हिस्सा अब योहानिस की बॉडी थी। इसलिए भले ही तीनों पावर की कंबाइंड पावर हो, ये योहानिस की बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। भले ही ये पूरे के पूरे 3000 बर्ड को डिस्ट्रॉय करने की पावर रख, क्योंकि ये सिर्फ बॉडी की पावर नहीं बल्कि ये पावर जॉन की बोन्स की है जो कि योहानिस की है। भले ही ये जोयान के मांस और स्किन को जला दें और खून को, लेकिन जॉन की हड्डियों को ये छू तक नहीं सकती। और जब तक जॉन की हड्डियां सलामत है, इटर्नल फायर की मदद से जॉन की बॉडी वापस रिक्रिएट हो सकती थी। साथ ही जॉन ने अब तक सभी पॉसिबल थॉट्स को यूज कर लिया था, लेकिन ब्लैक शैडो को कुचलने का कोई भी तरीका नहीं, इसलिए अब जॉन इसी का यूज करना चाहता था। जिसके बाद जॉन के सामने ये तीनों ही फ्लेमें पागलपन से एक दूसरे के साथ जुड़ने लगती हैं। हालांकि ये जुड़ नहीं रही होती, लेकिन जॉन पागलों की तरह इन्हें जोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। साथ ही इनको मिक्स करते हुए जॉन की आंखों में एक डिस्ट्रक्टिव ऑरा होता है, जिससे निकलने वाली जो वाइल्ड एनर्जी होती है चारों तरफ फैल रही होती है, आसपास चारों तरफ आग लग रही होती है। जॉन के मुंह से ब्लड निकल रहा होता है, हाथ से अजीब सी जलने की आवाज आ रही होती है, लेकिन जॉन बिल्कुल भी नहीं रुकता बल्कि अपने दांतों को जकड़े हुए जॉन पागलपन से फ्लेमों को मिलाना कंटिन्यू रखता है। साथ ही यह हताश करने वाला तरीका था, और वैसे भी जोयान को कैंग्यू सहित बाकी के 100,000 लोगों की लाइफ पावर की बिल्कुल परवाह नहीं थी, बल्कि इस ब्लैक शैडो को मारना जॉन के लिए ज्यादा जरूरी था। और जॉन के दिमाग में केवल यही थॉट था कि इसे मारना है, भले उसके बदले सबको मारना पड़ जाए। जॉन को यह पता नहीं था ब्लैक शैडो कौन है, लेकिन जॉन को इतना पता था कि उसे इसे डिस्ट्रॉय करना ही होगा। हालांकि ब्लैक शैडो ने जॉन को डायरेक्ट किल नहीं किया था, लेकिन एक के बाद एक उसके अटैकों ने जॉन को काफी ज्यादा सैड फील कराया था, और जॉन को पता था कि अगर वो सही टाइम पर एक्शन नहीं लेगा तो उसे एक्शन लेने का मौका भी नहीं मिलेगा। जॉन की सभी 90 मिलियन सोर्स कोई जॉन के चारों तरफ के फ्लेम सी में बदल गई होती है और फैलने लगती है चारों तरफ, और एक आवाज के बाद 300 फीट का फ्लेम सी तुरंत ही लगभग बंद हो गया होता है। जो यान यहाँ पे इन फ्लेमों को कंडेंस करते हुए चीखना और चिल्लाना शुरू कर देता है। इतना ज्यादा जॉन को पेन हो रहा होता है, लेकिन तभी धीरे धीरे जो यान के हाथों में एक फाइल लोटस कंडेंस होता हुआ दिखाई देता है, जिसके बाद जॉन कहता है, इसका नाम एंग्री बुद्धा लोटस है, सब कुछ पहले जैसा ही है। जॉन के सामने थी कलर का फाइल लोटस लगभग 100 फीट लंबा होता है, जिसके बाद जॉन धीरे से अपने हाथ को उठाता है और 100 फीट के लोटस को कंडेंस करते हुए लगभग 10 फीट का कर देता है, और आखिरकार अंत में ये जोयान के हाथ जितना हथेली जितना हो जाता है, जो एक क्रिस्टल तरीके से साइन हो रहा था, जिसमें तीन कलर के फ्लेमें थी, व्हाइट, ब्लैक और पर्पल। और ये लोटस बिल्कुल ड्यूकी कॉन्टिनेंट्स के एंग्री बुद्धा लोटस जैसा ही था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि अब इसमें जो फ्लेम यूज हुई थी वो हेवनली फ्लेम नहीं बल्कि हार्ट ऑफ फ्लेम थी, जो कि लोअर रियलम जैसे हजारों रियलम्स को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखती है। और अगर इस लोटस को ड्यूकी कॉन्टिनेंट में ब्लास्ट किया जाए तो हो सकता है ये आधे ड्यूकी कॉन्टिनेंट को ही उड़ा दे बड़ी आसानी के साथ। जॉन की आंखों में एक कमिटमेंट होती है, क्योंकि ये निश्चित तौर पर उसकी आखिरी उम्मीद और सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक था, जिसके बाद जॉन केवल मर ही सकता था। जिसके बाद जॉन हल्के से आंखें हाथ बढ़ाते हुए कहता है, जाओ, और फायर लोटस धीमे धीमे घूमते हुए बिल्कुल टेंशन फ्री तरीके से आगे बढ़ रहा होता है, जैसे उसे मोह माया से कोई मतलब नहीं। दूसरे ब्लैक शैडो इस अटैक को देखते हुए फुल टेंशन फ्री तरीके से अपने ब्लेड को उठाती है और तुरंत ही उससे लोटस की तरफ अटैक करती है। दूसरे जॉन क्या कहना चाहना कि चौड़ी हो गई थी, क्योंकि वो जानता था यह फायर लोटस लगभग यहाँ पे सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा, कैंग्यू सहित सभी लोगों की 100,000 लोगों की लाइफ। लेकिन जॉन कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो पहले से एक हेल्पलेस मूवमेंट पर था। हालांकि तभी ब्लैक शैडो का ब्लेड और फायर लोटस हवा में एक दूसरे से टकराते हैं और एक पल के लिए रुक गए होते हैं। अगर आप अभी भी ध्यान से देखें तो ब्लेड हल्का कांप रहा था, जबकि फायर लोटस अभी भी चिल होता है और आसपास सब कुछ स्टेबल लग रहा होता है, लेकिन स्टेबल था नहीं। एटमॉस्फेयर से पूरी हवा खत्म हो चुकी होती है और ये फ्लेमों के द्वारा बनाया गया एक छोटा सा वैक्यूम होता है, जो कि एक अलग ही प्रेशर था, जो कि फाइटिंग गॉड को भी हेल्पलेस महसूस करा सकता था। और अगले ही पल फायर लोटस में होता है एक ब्लास्ट, जिससे आसपास की जगह पर चारों तरफ इटर्नल फायर, वायान और डेमोनिक फ्लेम फैलने लगती है। और शायद जॉन को जो उम्मीद थी वही होता है, ब्लैक शैडो द्वारा बनाया गया जो ब्लैक प्रेजेंट था वो तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है।
साथियों ऑब्वियसली जैसा कि भाई यान और टेंडल फायर ने कहा था, जान को बिल्कुल नहीं बचाया जा सका और जान की पूरी बॉडी फ्लेम सी में डूब गई होती है। साथ ही फाइटिंग गॉड और एशियन डिवाइन बजरा बॉडी के मास्टर के तौर पर जान की फिजिकल स्ट्रेंथ निश्चित तौर पर आखिरकार स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन आखिरकार यह हार्ट ऑफ फ्लेम की पावर थी, जबकि यह सबसे इम्पोर्टेंट बात थ्री हार्ट ऑफ फ्लेम की पावर थी, एक कम्बाइंड पावर। इसलिए जान की बॉडी के लिए लगभग मुश्किल था इससे बच पाना, लेकिन जान की पूरी बॉडी पीछे की तरफ चली गई होती है। और वास्तव में जान को छोड़कर जो कि इस अटैक पे सबसे क्लोज था और उसे दर्द का एहसास नहीं हुआ, बल्कि वो तुरंत राख में बदल गया। आई मीन जो यान को छोड़कर जो लोग भी इस अटैक के क्लोज थे उन्हें दर्द का एहसास ही नहीं होता और वो तुरंत ही राख में बदल गए होते हैं। और प्लग झपकते या की लपटे इस जगह पर हर एक चीज़ को अपनी चपेट पर ले लेते हैं, और अगर यहाँ पर कोई बैरियर नहीं होता तो इस अटैक के साथ सब चीज़ें तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाती। लेकिन अटैक के मूवमेंट पे यहाँ पे चारों तरफ एक इनविजिबल पावर अपेयर होती है जो सभी फ्लेम को कवर कर रही होती है, और ये पावर निश्चित एरिया में फैल गई होती है। साथ ही ये पावर अपेयर होते ही सैकड़ों हजारों लोगों को भी अलग कर देती ताकि जान के फायर लोटस की पार उन्हें जान से ना मारे। दोस्तों जो यान की जो फ्लेमें होती हैं वो हाफ सर्कल की तरह यहाँ इतने ही एरिया में सिमट रही होती हैं, और भले ही इन फ्लेमों पर काबू पा लिया गया हो लेकिन इस जगह का टेम्परेचर अचानक ही एक बर्दाश्त के बाहर के लेवल तक बढ़ गया था। सब कुछ तुरंत ही बाष्पित हो जाता है, जमीन मैग्मा में बदल जाती है और आसपास की जगह क्रैक होने लगती है। सत्य इस जगह पे फ्लेमों के फैलने का कोई भी जगह ही नहीं थी, इसीलिए ये जगह बिल्कुल वॉल्केनो की तरह फूट रही होती है और ये जगह बिल्कुल भी नहीं रुकती। सत्य इन फ्लेमों के भीतर कोई भी फिगर नहीं देखी जा सकती थी, बल्कि ये बिल्कुल एक प्यूरिफाइंग प्रिजन बन गया होता है जहाँ केवल फ्लेमें ही फ्लेमें होती हैं और किसी को नहीं पता कि कितना टाइम बीत गया। लेकिन आखिरकार 100,000 लोग जाग गए होते हैं। उन्हें नहीं पता था कि भाई यान की ब्रीद के कारण उन्हें कई महीनों तक यहाँ फंसाया रखा गया था, लेकिन अब वो जागने में कैपेबल थे। साथ ही फायर लोटस के ब्लास्ट के कारण कुछ बदकिस्मत लोग बिना किसी पेन के मर गए थे, और जो बचे उनकी बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा तेज जलन हो रही होती है और उन्हें जितना जल्दी हो सके दूर ले जाया गया था। दोस्तों उस जगह पर जो फ्लेम सी था जो फायर लोटस के इम्पैक्ट के कारण क्रिएट हुआ था वो अभी खतरनाक तरीके से जल रहा होता है। साथ यहाँ के लोगों ने केवल पीछे हटने की हिम्मत की थी इस जगह को छोड़ने की नहीं, क्योंकि याओयान द्वारा उन्हें कंट्रोल किए जाने के बाद उन्होंने अपना लगभग दिमाग खो दिया था और याओयान के लिए लगभग एक खिलौने जैसे थे। लेकिन इस फ्लेम ने कभी भी इन लोगों को मारा नहीं था, लेकिन इस पूरे प्रोसीजर में इन लोगों की पावर में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ था, जिसका मतलब था कि फ्लेम का कोई बुरा इरादा नहीं था। और शायद यही रीज़न है कि 9th रैंक पर है, क्योंकि ये इडियट है। हालांकि जैसे ही फ्लेम की लपटें फूटी हुई होती हैं और जन को अचानक से रिच और काफ़ी बढ़ गई होती है, इसलिए सभी लोग जो डरे हुए थे इस टेम्परेचर को बर्दाश्त करना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ कल्टीवेट करना शुरू कर देते हैं। चार लोगों में कैंगजू भी बच गई थी और बाकी के चार लोग, इसलिए वो भी आखिरकार जो यान ने एक्सप्लोजन के बाद अपनी पूरी पावर से उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी, और जान की पावर और सेफ्टी के कारण ही था कि मिस्टीरियस पावर से बचने में वो कैपेबल थे। तथा ये चारों लोग दूर से इस फ्लेम सी को देखते हैं, उन्हें पता था अब केवल 1 साल ही बचा है और उन्हें इस 1 साल के भीतर यहाँ से बाहर निकलना होगा। उन्होंने जान को ढूंढने की कोशिश की लेकिन उन्हें केवल फ्लेम सी ही दिखा था, और 11 महीने तक जब कुछ भी नहीं होता तो आखिरकार कैंगजू और क्यूलिन बाकी लोग यहाँ से चले जाते हैं, और यहाँ बॉर्डर पर मौजूद लोग केवल ब्लास्ट की आवाज़ सुन सकते थे। और इन्होंने 1 साल तक कल्टीवेट किया था जब तक इस एडेन प्लेस पर बवंडर बंद नहीं हो गए, जिसके बाद ये जगह जैसे ही बंद होने वाली होती तो वो जल्दी से चले गए होते हैं, क्योंकि डीप एरिया में एंटर हुए लोगों को इन्होंने कभी बाहर आते हुए नहीं देखा था। और कैंग जो है चार लोग केवल अपवाद थे, इसलिए हर किसी की नज़र उन पर टिकी होती है। दूसरी तरफ फाइटिंग गॉड एलायंस के लोग भी जब कैंग जो और बाकी लोगों की फिगर देखते हैं तो उन्होंने सोचा था कि 4th UINS उन्हें दिखाई देंगे, लेकिन ऑब्वियसली वो उन्हें नहीं दिखाई दिए थे। साथ ही कुछ टाइम के बाद 10,000 मॉन्स्टर सीक्रेट हिडन प्लेस में फाइटिंग गॉड एलायंस के ही लोग बचे हुए थे, और एक ब्यूटीफुल लड़की वो अभी भी वहाँ पे खड़ी हुई होती है, उसकी प्राउडफुल आंखें थोड़ी झुकी हुई होती है। वो तुरंत ही कहती है अभी ये प्लेस बंद होने में कितना टाइम बचा है, जो देख कर एक पर्सन तुरंत ही कहता है अभी भी 3 दिन। तभी वो लड़की कहती 4th UINS निश्चित तौर पर बाहर आएंगे, और जब आखिरी दिन आ जाता है तो ऑब्वियसली वो अब शांत बैठने में कैपेबल नहीं थे। वो तुरंत ही कहते अगर हम ऐसे ही रुके रहे तो अगली बार ये 500 साल बाद खोला जाएगा। हालांकि एक कल्टीवेटर के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन जब हर कोई यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो ये जगह बिल्कुल सुनसान हो जाएगी, जिसमें लोगों को ऑब्वियसली घबराहट महसूस होगी इस अंधेरे प्लेस पर। साथ ही 4th UINS को काफ़ी देर से न देखे जाने के बाद हर कोई ऑब्वियसली पहले से ही डरा हुआ था। साथ ही इन्हें पता था कि ये प्लेस बंद हुआ तो वो हेल्पलेस सिचुएशन में चले जाएंगे, और कि कोई भी खतरा होता है और अगर वो उससे जीत नहीं सकते तो क्या उन्हें यहाँ फंसा नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन इस लड़की को देखते हुए हर कोई उदास होता है। वो तुरंत ही कहते हैं मिस लॉर्ड जिम फेंग, ये वैसा ही है जैसा कि 4th UINS के वेट करने के लिए हमें पीछे हट जाना चाहिए और बाहर चलकर हम उनका वेट करते हैं। अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारे पास कोई मौका नहीं होगा। ऑब्वियसली हालांकि ये लड़की फाइटिंग गॉड लेवल तक नहीं पहुंची थी, लेकिन
ऑब्वियसली ये योहाइनस की वाइफ थी। वाइफ कहे को थी, योहाइनस अपने साथ रखते थे भाई, कब कहाँ मूड बदल जाए उसके लिए थी। इसीलिए कोई भी इसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता था, चाहे कुछ भी हो, योहाइनस का प्रोडक्ट है। तभी जिम फैंग नाम की लड़की तुरंत ही कहती है, आप लोग फोर्थ योहाइनस के बाहर आने से पहले भागना चाहते हैं। और उसके चेहरे का सॉफ्ट और अचानक ही गुस्से में बदल गया होता है। तभी वो लड़का तुरंत कहता, हो सकता है यहाँ पे एक से ज़्यादा एग्जिट हो और योहाइनस बाहर निकल चुके हों, जिस पे सभी लोग एग्री होकर सिर हिलाते हैं। जो देखकर वो लड़की तुरंत कहती है, इम्पॉसिबल, अगर फोर्थ योहाइनस जाना चाहता है तो वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है। फाइटिंग गॉडलाइंस के मेंबर के तौर पर वो अपनी लाइफ के लिए इतना लालची कैसे हो सकता है और मौत के लिए कैसे डर सकता है। दूसरे उसकी बात को सुनकर हर कोई काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट फील करता है और कुछ भी नहीं कहता। हालांकि बातचीत बंद होने के बाद थोड़ी देर बाद यहाँ इन्हें तेज फ्लेम की लहरें और टेम्परेचर दिखाई देता है, जो देखकर हर कोई हैरान होते हुए खुद को बचाने के लिए सोर्स एनर्जी से ढक लेता है। साथ ही जो लोग अभी भी यहाँ रुकने के लिए जिद कर रहे थे उनकी आंखें सीधा ही अंधी हो गई होती हैं। हालांकि ये फोर्थ योहाइनस से डरते थे, लेकिन ऑब्वियसली ये इडियट नहीं थे कि यहाँ पे रहेंगे। ऑब्वियसली इतनी गर्मी का सामना करते हुए फाइटिंग गॉडलाइंस के सभी मेंबर तुरंत ही पीछे हटते हुए इस 10,000 डेमन सीक्रेट प्लेस से भाग जाते हैं। और जिन फैक्ट जब तक क्रिएट करती है उसके आसपास कोई भी नहीं होता, जिससे वो थोड़ा सा उदास हो गई होती है और खुद से ही कहती कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो वास्तव में पहले ही चला गया हो। साथ ही चारों तरफ देखने के बाद वो थोड़ा सा डरपोक होते हुए सोच समझ कर से हिलाती और कहती है, ऐसा ही होना चाहिए, हो सकता है कि वो बाहर मेरा इंतजार कर रहा हो। और इतना कहने के बाद वो भी बहुत स्पीड से इस जगह को छोड़ देती है। तो चलो बस इसी के साथ अब ये एपिसोड यहीं एंड करते हैं। तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, बिना ईयरफोन के बनाया है, मतलब माइक के बनाया है, सो जैसा भी आया हो तो दबा के मार दो लाइक और अच्छा खासा सपोर्ट दिखाओ। देख लो 40 मिनट का बना दिया मैंने वीडियो तुम लोगों ने कहा था, तो बाय बाय।